नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस का सिलसिला जारी है, खासकर मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि यूसीसी के लागू होने के बाद मुस्लिम समाज के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उन्हें भारत में हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर हैदराबाद के सांसद और एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी विशेष रूप से विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि यूसीसी के लागू होने के बाद मुसलमानों को हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा और शादी व अन्य कार्यक्रम भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मृत व्यक्ति को दफनाने के बजाय दाह संस्कार करना पड़ेगा। इस पर केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो वरिष्ठ नेता के साथ साथ शिक्षाविद है, ने कहा है कि यूसीसी को लेकर जिस तरह मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। संविधान में जिस बात का काफी पहले उल्लेख किया गया था कि उसे वर्तमान सरकार लागू करने का प्रयास कर रही है, उन्होंने आगे कहा कि इसका धर्म या संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। भारत में रहने वाले सभी धर्म जाति पर एक समान कानून लागू करने का एकमात्र प्रयास है। आरिफ ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू किया जाए, सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। खान ने कहा है कि यूसीसी किसी धर्म को टारगेट नहीं करता है, बल्कि यह देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करता है। देश में हिंदू कोड बिल बीते 70 सालों से लागू है और वह समान रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनों पर भी लागू है, लेकिन वह आज तक कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि यह आपके निजी व्यवहार को टारगेट नहीं करता है। उन्होंने कहा, जिस तरह से केरल में शादी होती है वैसे शादी यूपी में नहीं होती। दोनों जगह शादी होने की परंपरा अलग अलग है, दोनों की संस्कृति अलग अलग है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कानून दोनों को प्रभावित नहीं करता है। कोई भी कानून आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, अनुष्ठान और प्रथा को टारगेट कर ही नहीं सकता। खान ने कहा है कि यूसीसी क्या मुस्लिमों से कहता है कि तुम फेरे लगाकर शादी करो? यह समाज को बांटने की कोशिश है, यह एक बड़ा दुष्प्रचार है। खान ने कहा है कि यह देश विविधताओं का उत्सव मनाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवैधानिक महत्वाकांक्षा है। ये महत्वाकांक्षा है कि देश में सभी को न्याय की समानता उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना हर सरकार का धर्म है। पाकिस्तान में 1962 में ट्रिपल तलाक और बहुविवाह पर रोक लगा दी गई। इसी तरह श्रीलंका में मुस्लिमों ने ब्रिटिश राज के कानून को बदलने का आवेदन सरकार को दिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कानूनों से उनका विकास रुक रहा है, जबकि अरब देशों में तो 200 साल से पहले इस दिशा में कदम उठाया गया। खान ने कहा है कि ये कहना कि मुसलमानों की ओर से यूसीसी की मांग उठने तक इंतजार किया जाए सही नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा है कि तीन तलाक को लेकर भी काफी बवाल मचा था, इस पर कानून बनने के बाद भारत में आज 95% महिलाएं सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा है कि 40 साल बाद इसका क्या परिणाम रहा और प्रधानमंत्री का फैसला मुस्लिम समाज में कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया इसे देखा जा सकेगा। इसी तरह की जानकारी से आपको रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहिए फोरसाइट्स।